नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के सेशन में हम बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल द एन यानी आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते उसके बारे में चर्चा करेंगे ठीक है ना तो इसे कहते हैं एक तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए या तो हम इसे कह दें क्या जीरो आर्टिकल क्या कह दें या तो हम इसको कह दें जीरो आर्टिकल या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं नो no आर्टिकल क्या कह सकते हैं नो no आर्टिकल और अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आए तो हम कह सकते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स जहां हमें आर्टिकल नहीं लगाना होता है हाँ ना ठीक है जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल और ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है जहां जहां आर्टिकल नहीं लगाते जहां आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं ठीक है देखो ज़्यादातर चीज़ों को तो मैं आपको पहले ही बता चुका था लेकिन कुछ एक बातें जो ज़रूरी हैं अलग से पढ़ना उनको लेकर ये सेशन है और एक एक करके हम पढ़ेंगे तो इसके जितने भी यूसेज हैं है ना? उनमें हम उन यूसेज को सबसे पहले रखेंगे जो यूसेज ज़्यादा ज़रूरी हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो फर्स्ट नंबर का यूज है है ना नेम्स ऑफ देखो जरा ये तो एक जनरल यूज है नेम्स ऑफ पीपल ठीक है सिटी टाउन कंट्री Island, nah? Lake, Continent, Mountain, nah? Subjects of study. गेम्स है ना और डिजीज डिजीज यानी अगर आपको देखो जरा किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है शहर का नाम दिया गया है किसी टाउन का नाम दिया गया है कस्बे का किसी देश का नाम है या किसी राज्य का नाम भी हो सकता आइलैंड है द्वीप है लेक है महाद्वीप है कोई पर्वत है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है कोई गेम है या फिर कोई डिजीज है है ना से पहले से पहले से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता कोई आर्टिकल नहीं आता जहां आता है वो कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है इनसे पहले जनरली आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ एक बातें बता देता हूं है ना जैसे कुछ एक सेंटेंस मैं लिख देता हूं जैसे दिस इज मैरी मैरी कोई नेम है तो इससे पहले कोई कुछ नहीं आएगा है ना आई लिव है ना जयपुर आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट ठीक है आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट सी इज सफरिंग फ्रॉम है ना कोल्ड तो अब इनमें से कुछ भी आ जाए ना आप ध्यान रखना है आपको जीरो आर्टिकल लगाना तो पहला रूल तो आपका यही है अच्छा डिजीज में अगर एपिडेमिक का नाम आ जाता है ना तो दे लगा देते है ना जैसे प्लेग है तो प्लेग के पहले आप दे लगा सकते हो है ना जैसे आपका कोविड नाइन्टीन है तो एपिडेमिक के पहले आप दे का यूज कर सकते हो जनरल वे में नहीं करोगे तो भी चलता लेकिन कर सकते हैं ये एप्लीकेबल है सेकंड जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं गुजरा देखो आप प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउंस अगर नॉन आइडेंटिफाइड हैं कैसी है नॉन आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड होंगी तो फिर दे आ जाएगा नॉन आइडेंटिफाइड है तो भी जीरो आर्टिकल आता है जीरो आर्टिकल आता है यानी कोई आर्टिकल हम वहां यूज नहीं करते वहां कैसा आर्टिकल आ जाएगा जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे है ना जैसे डॉग्स आर बार्किंग है ना और मिल्क इज सोल्ड हियर तो इन दोनों में ही हम क्या करेंगे जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे है ना तो दो ये कॉमन यूज जो थे वो तो आप लोगों के सामने हैं ठीक है भाई दो जो कॉमन यूज हैं वो आपके सामने हैं अब और भी कुछ एक यूजेज है उनके बारे में हम बात करते हैं नंबर थर्ड पे देखो आप सीजंस के नाम के पहले जीरो आर्टिकल आता है जीरो आर्टिकल आता है यानी कि कोई आर्टिकल नहीं आता है है ना जैसे हमने लिखा समर है ना हमने लिखा विंटर आपका हो गया ऑटम और एक हमारा है स्प्रिंग इनके पहले भी जनरली आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है और इसमें एक और यहाँ लिख लीजिए नंबर फोर पे फैमिली रिलेशन फैमिली रिलेशन के पहले भी जीरो आर्टिकल आता है जीरो आर्टिकल आता है देखो कैसे चाहे मम्मी हो डैडी हो है ना? मम्मी है फादर है रिलेशन के रूप में है ना आंट है ऐसे नहीं एन आंट हो जाएगा नहीं सी इज माई आंट तो सी इज माई एन आंट नहीं होगा नहीं होगा ना अगर रिलेशन बताना है तो फिर आपको जीरो आर्टिकल ही लगाना पड़े ठीक है चलो नंबर फोर पे चलते हैं हम लोग और नंबर फोर पे है देखना जरा अगर किसी नाउन का यूज अगर कोई नाउन जो है वो अगर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है, है ना अगर किसी नाउन का यूज है ना ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट है ना के रूप में यूज कंप्लीट रूप में होता है तो कोई आर्टिकल नहीं आता कोई आर्टिकल नहीं आता कोई आर्टिकल नहीं आता देखो जैसे मैंने कहा है ना, चेयरमैन चेयरमैन है ना दूसरा लिखा क्राउंड हिम किंग इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी और भी अपॉइंटेड हर प्रोफेसर तो अब आप इस कंडीशन में ना कोई आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पे ये या आप लोगों को यहाँ ध्यान रखने वाली बात है यहाँ इस कंडीशन में हमें कोई भी आर्टिकल का यूज जो है वो नहीं करना है ठीक है चार नंबर का यूज आपका ये हो गया है पांचवें नंबर का यूज आपके सामने में बता रहा हूं ये है एक तो मील्स ऑफ द डे की बात मैं ऑलरेडी पहले आपसे कर चुका हूं तो वापस करने की जरूरत नहीं है एक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की भी बात में कर लेता हूं देखो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है यातायात के साधन अब इसमें क्या होता है कि अगर इन आता है ना इनके बाद व्हीकल नेम आता है तो यहाँ आपको आ और एन लगाना है अगर ऑन आता है और फिर व्हीकल का नाम है तो फिर आपको दे लगाना होता है लेकिन अगर बाई आए तो फिर आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है ना कोई आर्टिकल तो यहाँ आपको जीरो आर्टिकल इस तरीके से यूज करना है ना आई केम बाय और ट्रेन लिखा तो यहाँ आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है अगर इसकी जगह इन होता तो फिर इन आ ट्रेन होता और या फिर ऑन द ट्रेन होता क्या होता ऑन द ट्रेन होता ये सारी बातें होती लेकिन अभी नहीं होंगी सारी थियरी आपको समझ में आ जाएगी सिक्स नंबर का यूज देखो बाप सिक्स नंबर का यूज है कि कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशन के नाम के पहले के नाम के पहले जीरो आर्टिकल लगाते हैं जीरो आर्टिकल लगाते हैं है ना अब इसमें दो चीजें हैं कि कब तो लगाते हैं कब नहीं लगाते अब ये तो जनरल बात हो गई जैसे आ, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में मैंने आपके सामने यहाँ नाम लिखा जैसे मैंने एक तो लिखा यूनिवर्सिटी है ना मैंने लिखा स्कूल और कॉलेज ये तीनों ही पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना इनका मेन पर्पज जो है वो क्या है स्टडी का है ये किसके लिए बने हुए हैं स्टडी के लिए ऐसे ही कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने लिखा मॉस्क है टेम्पल है चर्च है ये किसके लिए है प्रेयर के लिए प्रेयर के लिए है ना हॉस्पिटल है क्लिनिक किसके लिए है ट्रीटमेंट के लिए है ना पीजन जेल और कोर्ट ये किसके लिए है पनिशमेंट के लिए पनिशमेंट के लिए अब अगर इनका यूज जिस परपज के लिए ये बने हुए हैं उसके लिए होता है तो आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है लेकिन इसका यूज अगर किसी दूसरे परपज के लिए होता है तो फिर हम आर्टिकल लगाएंगे मैं नोट लिखवाऊंगा इसका तब जाकर ये आपको समझ में आएगा देखो अगर इन नाउंस का यूज जिस परपज के लिए जिस परपज के लिए बने हैं उसके लिए होता है तो जीरो आर्टिकल लेकिन किसी दूसरे परपज़ के लिए होता है तो का यूज करते हैं तो देका यूज करते हैं ठीक है भाई ये पूरा मैंने लिख दिया है आपको अब इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूं जिससे काफी कुछ हद तक चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी है ना ठीक है देखो जरा कुछ एग्जाम्पल देखता हूं मैं जैसे वी गो टू टैंपिल है ना और दूसरा लिखा ही इवेंट टू टेम्पिल टू एडमायर इट्स स्ट्रक्चर इट्स ए स्ट्रक्चर है ना और लिखा कि ओल्ड पीपल मस्ट गो टू हॉस्पिटल फॉर रेगुलर चेकअप्स है ना तो देखो तीन सेंटेंस से पहले तीन के बारे में देख लेते हैं देखो रोज मंदिर जाते हैं तो ये तो जनरल पर्पज है कुछ नहीं आएगा अगर एडमायर करने गए स्ट्रक्चर तो दे आएगा और हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाया जाता है ये मेन जनरल पर्पज है तो फिर नहीं लगाएंगे लेकिन मैं कहूं कि आय है ना वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड माई फ्रेंड तो अब आपको क्या करना पड़ेगा द लगाना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा द लगाना पड़े है ना जैसे ही वॉज सेंट रीजन बाय द कोर्ट कोर्ट ने भेजा है पनिशमेंट के रूप में भेजा है कुछ नहीं लगाएंगे है ना ही वॉज सेंट है ना प्रीजन टू टेक सम आइटम्स कुछ सामान जेल से मंगवाना था वहां रखा होगा कोई सामान तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा दे लगाना मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ जो बात हम मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वो बात आपके सामने है। ठीक है तो यूज नंबर सिक्स आपका यहाँ तक हो गया है चलो सेवन नंबर का यूज जरा हम देखते हैं सेवन नंबर का यूज देखो है ना पेड का यूज है ना अगर स्लीपिंग या रेस्टिंग के अर्थ में हो तो हो तो जीरो आर्टिकल आता है तो जीरो आर्टिकल आता है क्या आता है जीरो आर्टिकल आता है और अगर किसी दूसरे पर्पज में होगा तो फिर आप लगा सकते हो आर्टिकल जैसे द बेबी इज स्लीपिंग इन बेड तो कुछ नहीं आएगा है ना लेकिन अगर बैठने के अर्थ में है जैसे इज़ सिटिंग ऑन डैश बैड तो दे आएगा है ना या फिर और किसी अर्थ में है जैसे ई वॉज सर्चिंग हिज मोबाइल अंडर डैश बैड तो फिर दे आ जाएगा सोने के अर्थ में नहीं है पर्पज चेंज हो गया तो फिर आप लगा दोगे ठीक है ना जैसे ए बेड ऑफ रोजेज लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज कहते ना बेड ऑफ रोजेज तो यहां बेड का मतलब सोने करने से नहीं है एक ईडियम है तो फिर आप आर्टिकल लगा दो इस चीज का आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है सात यूज आपके हो गए हैं नोट डाउन करो फिर नेक्स्ट इसका यूज जो है हम देखते हैं चलो लिखो भाई फटाफट चलो कुछ फ्रेजेज में नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ फ्रेजेज में कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज में है ना जैसे ने लिखा कैच फायर है ना हमने लिखा डू पेनेंस लॉस हार्ट लॉस हार्ट है ना लिखो जरा और भी हैं इसमें मैं लिखवा दूंगा अभी आपको सेट <laughs> सेल सेट फूट ना फूट सेंड वर्ड सेक हैंड्स लिखो इनको एक बार एक दो और हैं से गिव ईयर है ना गिव आई ईयर नहीं होगा गिव ईयर हो जाएगा गिव ईयर हो जाएगा गिव बैटल है गिव बैटल है टेक ऑफेंस है गिव बैटल है टेक ऑफेंस है, है फॉलो इतने काफी हैं क्या और लिखवा दें लो एक दो और हैं हम्म 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 स्ट्राइक रूट है फॉलो सूट है इसमें लिख देता हूं मैं ना। स्ट्राइक रूट है ना और फॉलो सूट चलो इन सब में क्या आएगा जीरो आर्टिकल आएगा ये ध्यान रखना इसमें एक दो चीजें और लिखूंगा मैं भी ना? Part है ना पार्ट और पार्सल एक ही आता है ना पार्ट और पार्सल पार्ट एंड पार्सल एक होता है हैव डैश टू थेक है ना और इन हेस्ट और चाइल्ड्स प्ले इनमें सभी में क्या आएगा जीरो आर्टिकल आएगा क्या आएगा जीरो आर्टिकल आएगा ये ये बातें आपको पता होनी चाहिए ठीक है चलो कितने यूज हो गए थे आपके एट टेन कर देंगे आपके टोटल यूज नाइन नंबर में ये देखो <coughs> देखो अगर आपको पोजेसिव है ना हिस्ट्री ब्यूटिव इसके अलावा डिमोनेस्टेटिव एडजेक्टिव है ना ये ये क्या है एडजेक्टिव पजेसिव हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया डिमोस्ट्रेटिव हो गया और कौन सा बचा हाँ यही बचा इनके बाद में आपको अगर कोई नाउन दिया जाता है क्या दिया जाता है नाउन तो यहाँ आप क्या करोगे जीरो आर्टिकल लगाओगे ये ध्यान रखना है इस जगह पे आपको क्या करना है जीरो आर्टिकल लगाना है क्या लगाना है आपको जीरो आर्टिकल लगाना है ये वो जगह है जहाँ आप लोग जीरो आर्टिकल की बात करोगे जैसे मैं कहूँ दिस कार तो अब यहाँ जैसे ये दिस डैश कार ना गलती नहीं करनी है ना माई वो, आ, माई बॉय यहाँ नहीं लगाना है मैंने कहा ईच गर्ल तो आपको नहीं लगाना है वैसे जनरल यूज है बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने बता दिया है देख लो अब तो इन कंडीशन में भी आपको जो आर्टिकल है वो नहीं लगाना है ठीक है ना चलिए लिख लिया सबने चलो टेन नंबर का यूज और देख लो एक आप टेन नंबर का यूज जो है वो और मैं आप लोगों को बता देता हूं वो क्या है देखो अगर आपको पार्ट ऑफ द डे दिया गया है क्या दिया गया है पार्ट ऑफ द डे पार्ट्स ऑफ द डे अब इनमें आपको ध्यान ये रखना है दो चीज़ें अगर आपको एट के बाद में दान दिया गया है रस्क दिया गया है नून दिया गया है नाइट दिया गया है मिडनाइट दिया गया है लाइट दिया गया है है ना तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है जीरो आर्टिकल लेकिन अगर आपको इनके बाद में मॉर्निंग इवनिंग या नाइट दिया गया है ना तो फिर आप लोग किसके साथ जा सकते हो दे के साथ जा सकते हो ठीक है दे के साथ जा सकते हो है ना एक अगर दो नाउन रिपीट होते हैं जैसे हैंड है ना इन हैंड हैंड इन हैंड तो इस कंडीशन में भी नहीं लगाते हैं ना कहीं इस कंडीशन में आप आर्टिकल लगा दो इस कंडीशन में भी आपको नहीं लगाना होता है दो दो जब रिपीट होते हैं ना तो भी नहीं लगाते है ना हैंड इन हैंड तो यहाँ नहीं लगाना है आपको कुछ भी है ना मैं कहूँ फेस टू फेस तो भी नहीं लगाना है या इस ऐसे आ जाए फ्रॉम है ना मॉर्निंग टू इवनिंग तो इसमें भी नहीं लगाना है ना इसमें भी नहीं लगाना है ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है अच्छा एक रेपिटिशन वाला और होता है वो भी मैं बात चली है तो आप लोगों को बता देता हूँ रेपिटिशन वाले में क्या होता है चलो इस पे ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है स्लाइड जैसी है इसी पे ले लेते हैं रेपिटिशन में क्या होता है जैसे आपको क्या किया गया रेपिटिशन होता क्या है repetition, ठीक है रेपिटिशन और आर्टिकल बात चली है तो हम लोग देख लेते हैं जैसे अगर एक ही व्यक्ति के लिए बात कही गई है तो तो आप एक बार ही लगाओगे अलग अलग के लिए कही गई है तो फिर आप अलग अलग लगा दोगे जैसे मैं कहूं जैसे मैंने एक के लिए यूज किया द बॉल है ना या आई हैव है ना अब बॉल एक है और इसकी क्वालिटी दो है लेकिन आपको जो लगाना है वो यहाँ लगाना है यहाँ नहीं लगाना है ये रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल जो होता है ना एक व्यक्ति और दो पोस्ट हो तो आर्टिकल एक के पहले ही लगेगा है ना ये ज़रूर ध्यान रखना है है ना जैसे वो आर्टिकल देवाले में पढ़ते हो ना जैसे मैंने लिखा द प्रेजिडेंट है ना And the director. तो ये तो एक व्यक्ति तो ये एक व्यक्ति अलग है एक ही व्यक्ति अगर दोनों हो तो फिर आप कैसे लिखोगे इसमें द प्रेजिडेंट लिख दिया और एंड डायरेक्टर लिखोगे ठीक है ना फिर यहां दूसरे वाले के पहले नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो दोनों के पहले अगर व्यक्ति एक है तो फिर एक के पहले आप लगाओगे तो इतना बड़ा इशू नहीं है ये तो आपको जब हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो भी वहाँ समझ में आ जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना अगर एक व्यक्ति है तो उसकी क्वालिटी है तो एक के पहले लगाएंगे और तो दो व्यक्ति दो क्वालिटी फिर दोनों के पहले आ जाएगा तो रेपिटिशन में तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है तो बाकी मैंने आपको ये टेन रूल जो हैं वो आपके अमिशन ऑफ आर्टिकल दे के बारे में बता दिए हैं ठीक है भाई यहाँ तक वो कम्प्लीट हो गए थे और इससे पहले तमाम जो आर्टिकल से संबंधित बातें थी वो मैंने आप लोगों को पूरी करवा दी है अब आपको क्वेश्चन इसके करवा देंगे और बाकी की चर्चा आप लोगों के साथ यूं ही होती रहेगी तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में थैंक यू